देखें झारखंड में पहाड़ों पर बने बंकर में कैसे बंदूक बनाते हैं नक्सली। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के कंकुसी गांव के पास दक्षिणी पहाड़ी पर स्थित नक्सली संगठन PLFI की गन फैक्ट्री पुलिस ने जब्त कर ली। दक्षिण पहाड़ पर गड्ढा खोद बंकर बनाया गया था। नीचे बनी फैक्ट्री को लकड़ी और मिट्टी से पाट दिया गया था। इस गड्ढे के अंदर जनरेटर रखा गया था और अलग से साइलेंसर लगाकर धुआं निकालने का रास्ता बनाया गया था। इसके कारण जनरेटर की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। पुलिस ने पहाड़ पर जंगलों के बीच लेथ मशीन, लोहा काटने की मशीन, बैरल के पाइप और मोटर आदि सामग्री जब्त की। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री चालू हालत में थी। लेथ मशीन के पास लोहे के बुरादे भी पड़े थे। सभी मशीनें नई हैं। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि एक महीने पहले यह फैक्ट्री लगाई गई थी। SP आलोक ने प्रेस वार्ता में बताया कि PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप, जोनल कमांडर जीवन गुड़िया गुड्डू गोप, एरिया कमांडर अजय कुर्ती, दीप नाग और बगराय चंपिया ने यह गन फैक्ट्री स्थापित की थी। बंकर के अंदर जनरेटर रखा गया था और अलग से साइलेंसर लगाकर धुआं निकालने का रास्ता बनाया गया था। इसके कारण जनरेटर की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। चुनाव से पहले गन फैक्ट्री पकड़े जाने से SP खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस फैक्ट्री के लिए मशीन सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है। SP ने कहा कि फैक्ट्री की स्थिति बता रही थी कि अभी तक यहां से हथियार बनकर नहीं निकले थे। पुलिस इस फैक्ट्री के लिए मशीन सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है। SP आलोक ने प्रेस वार्ता में बताया कि PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप, जोनल कमांडर जीवन गुड़िया गुड्डू गोप, एरिया कमांडर अजय कुर्ती, दीप नाग और बगराय चंपिया ने यह गन फैक्ट्री स्थापित की थी। SP ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि सूचना मिली थी कि कंकुसी गांव की पहाड़ी पर PLFI ने गन फैक्ट्री लगाई है। यहां से हथियार बनाकर जोनल कमांडर और एरिया कमांडरों सहित दस्ता सदस्यों को आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद SP ने छापामारी टीम गठित की।